जैसे जैसे तपती गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आगजनी की घटना भी बढ़ती चली जाती है। कभी शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटना सामने आती है तो कभी खाना बनाने के दौरान चिंगाड़ी उड़ने से आग लगने की घटना घटती है। आज फिर एक आगजनी घटना भागलपुर के पौस इलाके में सामने आई, जहां घनी आबादी है और हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। मामला भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोबीबाड़ी टावर का है, जहां रखे सामान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और लाखों रुपये का नुकसान हो गया। इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, तब जाकर कड़ी मशक्कत के बाद अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग बुझाया जाता तब तक लाखों रुपए के सामान जलकर राख हो चुके थे। वहीं आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अब अभी तो हम लोग आग पर काम कर रहे हैं, बस जिसे तो लगता है कि शॉर्ट सर्किट है, लेकिन विस्तृत बात आपको जांच के बाद बताया जाएगा कि आखिर आग लगने का कारण क्या है। अभी प्राथमिकता है हम लोग का कि आग को पहले बुझाएं। आग पर काबू पा लिया गया है? लगभग पा लिया गया है, थोड़ा सा रह गया है, उसको संपूर्ण रूप से जब बुझा लेंगे उसके बाद कोई भी हम कहेंगे कि मुख्य रूप से कारण क्या है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अधिक से अधिक मतदान की प्रतिशत कायम हो, इसको लेकर जिलाधिकारी हर क्षेत्र में मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं, ताकि मतदाता मतदान के दिन घर पर न रहकर घर से बाहर निकले और अपने मतदान का प्रयोग करे। इसको लेकर आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में NSS द्वारा स्वीप के अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवलेश्वर चौधरी ने किया। इस कार्यक्रम में लगभग 500 NSS के छात्र छात्राएं शामिल हुए। साथ ही इस कार्यक्रम भागलपुर की सोशल मीडिया स्टार संचिता बसु और आदर्श आनंद भी शामिल हुए। वहीं जागरूकता कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी ने शहरवासियों को घर से निकलकर मतदान करने की अपील की। साथ उन्होंने कहा, मतदान आपका सबसे बड़ा अधिकार है, इससे आप अपने पसंद के नेता को चुनते हैं जो आपके समाज, राज्य और देश का विकास करता है। CMBU में अभी कुलपति महोदय की अध्यक्षता में एक स्वीप कार्यक्रम का आयोजन था, जिसमें NSS के काफी बच्चे थे और सभी लोगों को जागरूक किया गया है, विशेष रूप से तो वो अपना वोट तो डाले ही, साथ ही वो जिनको जानते हैं और जिस सोसाइटी में रह रहे हैं और उस सोसाइटी में जो भी वोटर हैं उन सभी मतदाताओं को जागरूक करें कि वोट डालें। और डेफिनेटली डेमोक्रेसी है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन है, तो इसमें जितनी जनता हमारी अधिक वोट करेगी, अपने पसंद के लोगों को चुनेगी, उतना बेहतर हमारा डेमोक्रेसी होगा। आप जान रहे हैं कि करीब 2 लाख से अधिक हमारे पास युवा वोटर्स हैं जो कि 18 से 25 की उम्र में है और वो हमारे वो हमें जागरूक हो जाएं तो हमारा वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ेगा ही, साथ ही उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने अपने प्रतिनिधि को चुना है। और ये युवाओं को गर्व होना चाहिए कि वो वोटर बन गए हैं तो उन्हें मतदान करना है। जो हमारा बूथ है उस पर 2 लाइन लगती है, एक तो मेल के लिए है, एक फीमेल के लिए है, और एक अतिरिक्त लाइन की हम व्यवस्था उनके लिए करते हैं जो फिजिकली डिजेबल्ड है, जो हमारे कोई दिव्यांगजन हैं, यदि अधिक उम्र उनकी काफ़ी हो गई है, 85+ हैं, उनके लिए भी। दूसरी बात, अब तो वो ऑप्शन समाप्त हो गया है, हम 12D का भी ऑप्शन था हमारे पास कि यदि जो असमर्थ हैं, जो नहीं जा सकते हैं, उनके लिए घर पे भी वोटिंग की शुरुआत की, जो कि हम लोगों ने जागरूक किया था, तो जिन लोगों ने उस माध्यम से भी वोट करना चाहे उसको कराएंगे। वैसे बूथ पे जो दिव्यांगजन है या जो अति वृद्ध हैं उनके लिए हम अलग से सुविधा रखते हैं ताकि उन्हें कोई असुविधा नहीं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बिजली आपूर्ति एवं छात्रों की मूलभूत समस्याओं को लेकर, जिसमें पेंडिंग रिजल्ट एवं UG एवं PG के विभिन्न सेमेस्टर की परीक्षा होने से 6 महीना बाद भी छात्रों को अंक पत्र नहीं होने के विरोध में एवं अन्य छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ विश्वविद्यालय के सभी PG विभाग एवं अन्य कॉलेजों को बंद करते हुए विश्वविद्यालय का घेराव किया गया। इसमें समस्या का अविलंब निदान करने की मांग की गई। इस आंदोलन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दर्जनों पदाधिकारी व छात्र छात्राएं मौजूद थे। पानी नहीं है, पंखा बैठने को नहीं है, लेकिन आज जिस प्रकार से विश्वविद्यालय के कुलपति, कल आपने देखा होगा इफ्तार पार्टी खुले राम मना रहे थे, अभी के TV चैनलों ने चलाया था, क्या छात्र एक तरफ पानी के लिए, पंखा के लिए बेहाल है,
वाई दाल पार्टी मना रहे हैं। क्या ये इस प्रकार की विश्वविद्यालय में परंपरा चल रही है? क्या विश्वविद्यालय किस तरफ जा रहा है ये बीसी को तय करना पड़ेगा। आज हम लोग हिसाब मांगने आए हैं कि पानी कब तक चलेगा। पानी नहीं चलेगा तो आज जिस तरह से टीएनबी कॉलेज और सभी डिपार्टमेंट को हमने बंद कराया है, ये अनिश्चितकालीन कुलपति का तालाबंदी होगा। जब तक पानी की व्यवस्था नहीं होगी तब तक ये लड़ाई, ये संघर्ष कुलपति का घेराव तक ये रुकने वाला नहीं। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर की सराय रेकाबगंज स्थित CNM केमिस्ट्री ट्यूशन पॉइंट प्रांगण में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 2024 बिहार बोर्ड इंटर बोर्ड साइंस परीक्षा में बेहतर परिणाम हासिल करने वाले सफल परीक्षार्थियों को CNM प्रबंधन की ओर से मेडल, मोमेंटो और चेक देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान छात्र अश्वनी कुमार, भागलपुर जिला टॉपर अनीस कुमार, भोजपुर जिला टॉपर मनु कुमारी, सहरसा जिला सेकेंड टॉपर आनंद कुमार, रामजी कुमार यादव, नवीन कुमार और पटना पालीगंज के विकास कुमार को नगद राशि देकर पुरस्कृत किया गया। वहीं समारोह के दौरान बिहार बोर्ड की परीक्षा में 5वां स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा अनुष्का गुप्ता को संस्थान के डायरेक्टर सुधाकर मिश्रा ने मोमेंटो मेडल और 51,000 की राशि का चेक सौंप कर सम्मानित किया, जबकि बांका जिला के टॉपर एवं बिहार बोर्ड में 7वीं रैंक प्राप्त करने वाले छात्र को भी मोमेंटो मेडल एवं चेक देकर सम्मानित किया गया। वहीं सम्मान समारोह को लेकर संस्थान के निदेशक सुधाकर मिश्रा ने बताया कि इस संस्थान में केमिस्ट्री में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले करीब 135 छात्र छात्राओं का पूरा शुल्क वापस कर दिया गया। साथ में कहा कि JEE की परीक्षा में शामिल होने के कारण कई छात्र छात्रा समारोह में भाग नहीं ले सके, लेकिन संस्थान से किसी न किसी रूप से जुड़े बिहार बोर्ड या जिला स्तर पर टॉपर बनने वाले स्टूडेंट को बाद में सम्मानित किया जाएगा। इधर कार्यक्रम में अंशुमान सिंह समेत CNM केमिस्ट्री से जुड़े कई सदस्य और काफी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। देखिए, मैंने शुरू से ही ऑफलाइन कोचिंग की है और फिर पूरा श्रेय तो ये ऑफलाइन ही होगा, बट मैंने लास्ट के टाइम में 10-15 दिन वो जो रिवीजन क्लासेस होती थी वो की थी CNM सर से। क्या कहेंगे? थैंक यू बोलेंगे। और कितनी खुशी मिली है डॉक्टर? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुशी है। तैयारी कर रहे थे तैयारी तो वन डे एट अ टाइम होता था, ऐसा कोई प्लान नहीं था कि एक महीना में पूरा सब चीज करना है, पर वन डे एट अ टाइम चला और फिर सही मुकाम में पहुंचा, ये बहुत बड़ी खुशी है। हम हर साल बताते हैं कि हम अपने बच्चों के प्रति प्रतिवर्ष कुछ नया सोचते हैं और नए सोच में ही कुछ हमको सफलता मिल जाती है। इस बार हम कोर्स पूरा करने के बाद उसको 3 बार रिवाइज कराए, 2 बार ऐप पर, पहले तो ऑफलाइन क्लास करवा करके कंप्लीट कोर्स दिए, उसके बाद 2 बार ऐप पर रिवाइज कराए, उसके बाद 1 बार यूट्यूब पर रिवाइज कराए,
और यदि किसी बच्चे को 3 से 4 बार रिवीजन मिल जाए तो बच्चे को 100% याद हो जाएगा। इवन परीक्षा के रात में हम 7 बजे से 2 बजे रात तक यूट्यूब पर कंटिन्यू थे, जितना पढ़ाए उसी में से 38 ऑब्जेक्टिव, जबकि 35 का जवाब देना है, 38 ऑब्जेक्टिव आ गया। पिछले 2 दिन जो लास्ट में हम पढ़ाए तो उसी से लॉन्ग और शॉर्ट था, और यही सफलता का सबसे बड़ा कारण है। आज क्या कार्यक्रम है? आज सर हर वर्ष की भांति आज भी सम्मान समारोह कार्यक्रम चल रहा है। इसमें जो भी टॉपर्स, रैंकर्स और केमिस्ट्री में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चे होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है, ताकि समाज में या उनसे जो जूनियर बच्चे हैं उनको यह संदेश जा सके कि आप भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। यदि यह बच्चे कर सकते हैं तो वह भी कर सकते हैं। कितने बच्चों को सम्मानित किया? लगभग 140 बच्चे को सम्मानित करना है, क्योंकि लगभग 20 बच्चे से 30 बच्चे के आसपास जेई का एग्जाम देने चले गए तो वो बच्चे नहीं आ पाएंगे। जी मेरा नाम सुधाकर मिश्रा है, CNM केमिस्ट्री ट्यूशन पॉइंट के डायरेक्टर भी है, टीचर भी हैं। सर प्रोत्साहन राशि भी दी गई? जी सर, प्रोत्साहन राशि के तौर पर हर वर्ष ये फिक्स है कि बिहार बोर्ड में 1 से 5वां रैंक लाने वाले बच्चे को 51,000 रुपये का चेक मिलता है। उसके अलावा बिहार बोर्ड में यदि वो 5वां रैंक से ऊपर लाता है, 10th रैंक तक लाता है, तो उसको 21,000 का चेक मिलता है। जिला टॉपर को 5,000 का चेक मिलता है, और जो केमिस्ट्री में अच्छा प्रदर्शन करता है, हमारे यहाँ का नियम है 93% से ऊपर मार्क्स जो भी बच्चा हमारे सब्जेक्ट केमिस्ट्री में लाता है उसका फी वापस हो जाता है। भागलपुर के नवछिया के इस्माइलपुर प्रखंड के गंगा देरा क्षेत्र में फैली सैकड़ों एकड़ में लगी फसलों पर इलाके के अपराधियों की निगाह है। वहीं इस बात को लेकर किसान भागलपुर जिले के पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय का चक्कर लगाकर आवेदन देकर गुहार लगा रहे हैं, उनकी मेहनत की फसल को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया जाए। वहीं इस बाबत किसानों ने नवछिया SP को भी आवेदन देकर गुहार लगाया है। दिए गए आवेदन में प्रवीण कुमार, अशोक कुमार यादव, अधिक लाल मंडल, विजय शर्मा, धनंजय जायसवाल, इलचर मंडल, राजीव यादव, पवन कुमार यादव, अरविंद यादव ने आवेदन दिया है। विदित हो कि करीब 23 किसान बजाय रजिस्ट्री के वाला जमीन खरीदकर दाखिल खारिज जमाबंदी अपने नाम कायम कराकर बिहार सरकार को मालगुजारी देकर राजस्व रसीद हल्का तक का है। साथ ही केवाला खरीदगी की तिथि से जमीन का जोत आवध उपभोग फसल खाते आ रहे हैं। इस बार जेल से निकले अपराधी चंदो यादव, कुमकुम देवी, जितेंद्र यादव, सुमन यादव, कार्यलाल यादव, राकेश यादव, इन लोगों की जमीन पर आके 2 लाख रुपए रंगदारी और 10,000 रुपए प्रति किसान मांगता है, और नहीं देने पर दो यादव, कुमकुम देवी, जितेंद्र यादव सभी बोलता है कि बिना रंगदारी चुकता किए खेत पर आया तो गोली मारकर हत्या कर देंगे और लाश को गंगा में बहा देंगे। इन लोगों ने यह भी कहा कि इसके अलावा ये लोग इलाके के दबंगों से धमकी दिलवाते हैं कि खेत छोड़ दो, अन्यथा इस्माइलपुर थाना की पुलिस तुम लोगों का पोस्टमार्टम तक नहीं करा पाएगी, तुम लोगों की पहचान खत्म कर देंगे। इन लोगों ने कहा कि हम लोग 18 मार्च को करीब 12 बजे दिन में खेत पर गए तो अभियुक्त चांदो यादव, कुमकुम देवी ने हुक्म दिया कि गोली मारो। इस पर राकेश यादव, करलाल यादव, यादव, रवि यादव अपने अपने हाथ में राइफल बंदूक 3 मिनट से जान मारने की नियत से गोली चलाई जो कनपट्टी के बगल से निकल गई। किसी तरह गिरते पड़ते हम लोगों ने अपनी जान बचाई। वहीं किसानों ने अपराधियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए जान माल व फसल की रक्षा की गुहार लगाई है। 2004 ईस्वी में वो जमीन हम लोगों का गंगा में कट गया था, फिर जो है 2022 में वो जमीन जो है गंगा से निकला है। गंगा से निकलने के बाद उस जमीन पे हम लोग 2022 में उसको जंगल आबादी किए, जंगल आबादी करके उस पर मक्का फसल लगाए। अगले साल जो है हम लोगों का फसल सुरक्षित कट गया। इस साल जेल से निकले अपराधी चंदो यादव, पिता बच्ची यादव, इसके बाद जो है कि राकेश यादव पिता चंदो यादव, कुमकुम देवी पति चंदो यादव, ये लोग जो है ये लोग वहाँ पे हम लोगों के फसल में लूटपाट करके प्रत्येक दिन जाके फसल काट के हम लोगों का वो लोग ढो रहे हैं। और जो है कि बोलने के बाद जो है हम लोगों से रंगदारी का भी डिमांड करते हैं, हथियार के साथ वो लोग बराबर दीरा में कैंप किए हुए हैं। हम लोग फसल अभी काटने में असमर्थ हैं, हम लोगों को पुलिस का सहायता चाहिए, हम लोग फसल कटवाने में पुलिस हम लोगों की मदद करे, यही हम लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। आप लोग अभी हम लोग SP साहब के यहाँ आवेदन दिए हुए हैं। 23 तारीख को हम लोग माननीय DGP महोदय पटना को भी स्पीड पोस्ट किए हुए हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक भागलपुर से भी हम लोग जो है मिल के आए, उनका भी आश्वासन मिला कि आप लोग जो है SP महोदय से मिलिए, फसल सुरक्षित कट जाएगा। 1990 में मेरा सब जमीन जो खरीदा गया है
उसके बाद जो है गंगाओं में कट गया है, उसके बाद जो है कि ऊपर हुआ है, ऊपर होने के बाद उसको आबादी की है। अगले बार मतलब उस जमीन पे मकई बुना था, उसमें मकई सुरक्षित रूप से कट गया था, उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं था। अभी वही क्रिमिनल लेके बच्ची यादव का बेटा पुतहू सब आदमी ने मिल के और क्रिमिनल और क्रिमिनलों के साथ में सहयोगी के साथ में वो जो है कि मकई अभी लूटने का वर्चस्व में है और प्लॉट पे हम सब डर से नहीं जाते हैं, बोलता है कि गोलिये मार देंगे और रंगदारी मांगता है।